How are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Rural administration.

जा रहे हैं सिक्स लैक विलेजेस इंडिया इज हैविंग इंडिया में कितने गांव हैं विलेजेस वहां पर कैसे सरकार काम करती है जो विलेज को गवर्न करती है दैट इज कॉल्ड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ओके रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है जैसे कि विलेज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना वाटर ट्रांसपोर्टेशन वाटर सप्लाई करना उसके अलावा रोड मेंटेन करना ये इजी काम नहीं है ये किसका काम है किसके अंडर आता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर और जो भी गांव

जो की एक छोटी सी बाउंड्री जिसको गजेंदर बन बाई अस देस ऑफ गजेंदर लैंड एंड इनक्रीज द साइज ऑफ हिस्स एक दिन उसने देखा की शाहनी जो है उसने जो बीच की जो बाउंड्री थी उसको थोड़ा अपने खेत में मिला लिया है तो उसने क्या किया किया। उसने कुछ मीटर जो शाह का खेत था वो अपने साथ इनक्रीज कर लिया एंड गजेंदर वॉज टू डू और से बिकॉज ही नॉट सो एज एंड फैमिली सेवरल फील्ड्स लेकिन गजेंद्र कुछ ना कह पा रहा था उसको गुस्सा तो आ रहा था लेकिन ना वो कुछ कह पा रहा था क्योंकि वो डर रहा था क्योंकि जो शाहनी की फैमिली है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उनके बहुत सारे खेत हैं ही वॉज द नेफ्यू ऑफ द विलेज सरपंच

और उसके बाद जब वो घर जाता है शानी मना कर देता है कोई भी बंट देने से कोई भी अपना खेत का शेयर देने से मना कर देता है या बाउंड्री को लिमिटेशन में करने से मना कर देता है और इस आर्ग्यूमेंट को और ज़्यादा बढ़ावा देता है एंड फॉलोड बिटवीन गजेंद्र एंड शाहनी शाहनी कोल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड शाउटेड लाउडली एंड दे स्टार्टेड बीटिंग गजेंद्र और शाहनी जो है अपने कुछ हेल्पर्स को बुलाता है और तेज तेज़ चिल्लाने लगता है और गजेंद्र को वो सब लोग पीटने लग जाते हैं

मैन गजेंद्र वॉज बैडली बीटन अप ऑन हिज हेड एंड हेड गजेंद्र की बहुत बुरे तरीके से पिटाई की होती है उनको सिर पर और उसके हाथ पर चोट लगी होती है हिम फर्स्ट एड और एक उसका जो पड़ोसी है वो उसको फर्स्ट एड देता है एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हु लुकड आफ्टर द विलेज पोस्ट ऑफ़ इट एडवाइज दैट दे शुड गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन टू फाइल अ रिपोर्ट अगेंस्ट इट और एक उसका फ्रेंड एडवाइस देता है कि उसे लोकल पुलिस स्टेशन में जानी चाहिए उसके अगेंस्ट एफ आई आर करानी चाहिए अदर्स वर वर्ड अबाउट द फैक्ट दैट दिस वुड इन्वोल्व अ लोट ऑफ मनी एंड नथिंग माइट कम आउट ऑफ इट और बाकी के जो लोग हैं वो ऐसे वरिड हो जाते हैं चिंता करते हैं कि अगर पुलिस स्टेशन में जाएंगे किसी केस में अगर वो शुरू हो जाते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बहुत सारा पैसा भी लग जाएगा लेकिन होना कुछ भी नहीं है सम पीपल ऑफ़ द वलेज सेट दैट शाहनी वुड ऑलरेडी हैव गु द पुलिस स्टेशन टू कवर अप हिज डीड्स कुछ लोग कहते हैं कि शानी ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में ही जा चुका है ताकि वो जो भी उसने किया है जो भी गजेंद्र को पिटवाया है उस स्टोरी को वो कवर कर सके देर वोज

वी जस्ट स्टडीड हाउ गजेंदर एंड शाहनी हैड बीन फाइटिंग एंड आर्ग्यूइंगटनली अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ द कॉमन बाउंड्री बन ऑफ देयर फील्ड्स जैसा कि अभी हमने स्टोरी में पढ़ा कि कैसे गजेंदर और शाहनी की बाउंड्री को लेकर लड़ाई हो रही थी एंड देयर कुड हैव बीन एन एमिसबल वे टू सेटल देयर डिस्प्यूट आर देयर रिकॉर्ड्स दैट शो हु ओन्स विच लैंड इन द विलेज वी विल फाइंड एंड ट्राई आउट हाउ दिस इज डन क्या इस को सोल्व करने का कोई आसान तरीका भी है क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें ये मैंटेन हो कि ये लैंड किसकी है और शाहने की लैंड कौन सी है गजेंद्र की लैंड कौन सी है चलो हम आगे देखते हैं ओके द पटवारी इज द पर्सन हु मैंटेन वर्क इज मेशरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेजर्स यस कौन करता है ये काम पटवारी जो गांव का पटवारी होता है वो क्या करता है वो लैंड को मेजर करता है और रिकॉर्ड रखता है कि किस विलेजर के पास कितनी लैंड है द पटवारी इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर एंड इज नोन बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट पटवारी जो होता है वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है इन सम विलेज द पटवारी नोन एज लेखपाल इन अदर खानगू और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर एटसेट्रा लेट इज कॉल हिम अ पटवारी फॉर आर पर्पज इस स्टोरी में हम उसको क्या नाम दे रहे हैं पटवारी जिसका काम गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसका काम है गाँव में किस विलेजर के पास कितनी लैंड है उसको रिकॉर्ड में रखना ओके तो यहाँ हम पटवारी नाम लेकर चल रहे हैं ईच पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेजेस ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऐसे ही गांव में अलग अलग पटवारी होते हैं उनको कुछ एरिया दिया होता है और उस एरिया में कौन सी लैंड किसके हिस्से में आनी है वो रिकॉर्ड मेंटेन करना पटवारी का काम होता है लुक एट द मैप्स

हु कैन यूज़ फील्ड नंबर थ्री वट इंफॉर्मेशन कैन वी गेट फॉर फील्ड नंबर टू एंड फील्ड नंबर थ्री तो ये आपको दिया है जैसे एरिया इन हेक्टेयर ठीक है वन टू थ्री फोर एरिया इन हेक्टेयर कितना है जीरो पॉइंट सेवन फाइव किसकी लैंड है ये नेम ऑफ द ओनर कौन है गजेंद्र सन ऑफ सुरेंदर दैट इज़ विलेज फदालकोट ओनर ओके उसके बाद इफ़ इट इज़ रेंटेड और नोट उसकी खुद की लैंड है या रेंटेड है नो no. उसकी खुद की लैंड है उसके बाद एरिया दिस कितना एरिया उसने कल्टीवेटेडेट किया और क्या उसमें क्रॉप ग्रो की गई ओके okay? तो इस तरीके से पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना किसका काम होता है पटवारी का नाउ मोर टू नो द पटवारी कैरज आउट द लैंड सेटलमेंट एंड मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू और पटवारी क्या करता है जो भी लैंड सेटलमेंट होता है कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है लैंड सेटलमेंट कैसे करनी है कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन करना है लैंड रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है ये सारा काम कौन करता है पटवारी ऑफ द विलेज द रिकॉर्ड फॉम्स अ पार्ट ऑफ द रजिस्टर ऑफ द रिकॉर्ड द पटवारी हैज मैनी वेज टू मेजर एग्रीकल्चर फील्ड्स इट कुड बी अ मार्क चेन और एनी अदर मेथड ऑफ मेजरिंग कैसे अब ये मेजर करता है द पटवारी ऑल्सो कलेक्ट्स लैंड रेवेन्यूज फ्राम द फार्मर्स फार्मर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना पटवारी का काम है एंड द पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया और गवर्नमेंट को ये बताना कि कौन से एरिया में कौन सी क्रॉप ग्रो की गई है ये भी कौन करता है पटवारी ऑफ द विलेज द पटवारी अपडेट्स रिकॉर्ड्स रेगुलरली इन ऑर्डर टू हैव अ करेक्ट पोजिशन ऑफ द लैंड एंड द चेंजेस मेड बाय द फार्मर्स इन देयर फील्ड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रिगार्डिंग द सोइंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप और डिगिंग ऑफ अ वेल ऑन द फील्ड एटसेट्रा अगर कोई फार्मर अपने खेत में अपने फील्ड में वेल को डिग करता है या कोई ट्यूबवेल लगाता है या कोई अलग फसल ग्रो करना चाहता है तो ये सारा रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है पटवारी मेंटेन करता है एंड देयर आर मैनी अदर ऑफिसर्स अबो पटवारी पटवारी के ऊपर भी और ऑफिसर्स होते हैं दी सीनियर ऑफिसर सुपरवाइज द वर्क डन बाय द पटवारी और ये सीनियर ऑफिसर क्या करते हैं पटवारी के काम को सुपरवाइज करते हैं indian states are divided into districts these districts further subdivided in subdivisions known as the tolka etc for management relating to land and the revenue department manages all matters relating to the land Up इंडियन की जो स्टेट है इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनको अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट उसको आगे तहसील में फिर तोलका में ऐसे डिवाइड किया गया है ताकि लैंड रिकॉर्ड को मैनेज करना मेंटेन करना इजी हो जाए द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इज द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड अंडर हिज एरिया रेवेन्यू ऑफिशियल्स ऑफ द तहसीलदार नायब तहसीलदार दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो कौन होता है हेड ऑफ़ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट और उसके साथ और भी ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो कि लोगों के डिस्प्यूट को समझते हैं सुपरवाइज़ करते हैं और वर्क पटवारे के वर्क को भी सुपरवाइज़ करते हैं द तहसीलदार इंश्योर्स दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली कैप्ड एंड लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू तो द रूल्स तहसीलदार क्या करता है पटवारी के काम को सुपरवाइज करता है कि जो लैंड रिकॉर्ड है वो प्रॉपर मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे और जो लैंड रेवेन्यू है अकॉर्डिंग टू रूल कलेक्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा कि पटवारी अपना काम जो है वो ठीक से कर रहा है द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू विच प्लॉट ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय होम खसरा रिपोर्ट से हमें क्या पता लगता है कि एक कॉमन लैंड में किसके प्लॉट्स हैं उनका पता लगता है तहसीलदार अदर वर्क्स आर टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स टू गैट दस्ट सर्टिफिकेट्स ईजीली फार्मर्स कैन ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ रिकॉर्ड एंड मैटर रिलेटिंग टू लैंड डिस्प्यूट्स और तहसीलदार का काम क्या होता है बच्चों को जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो वो तहसीलदार से लेते हैं उसके अलावा अगर फार्मर्स को अपने लैंड रिकॉर्ड चाहिए या कोई भी लैंड डिस्प्यूट के मैटर में कुछ भी उन्हें हेल्प चाहिए तो देट इज़ द वर्क ऑफ द तहसीलदार several times a farmer needs a copy of their land record and a map like applying for a loan land transfer and other purposes they have the right to information according to right to information act दे हैव टू पे अ नॉमिनल फी फॉर दिस समाइम्स क्या होता है फार्मर को किसी लोन के लिए कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो या किसी भी लैंड ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरत हो तो एक नॉमिनल फ़ी दे के तहसीलदार से वो ये रिकॉर्ड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट एंड But it is not an easy task. Sometimes farmers have to face many problems to get it. Now, some states are computerized. All the records are kept at the panchayat office. The copy of the records can be made available easily to the farmers or the landowners and regularly updated. और ये काम जो है कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि तहसीलदार जो है वो कॉपरेट नहीं करते फार्मर को लेकिन अब जो है ये सारा काम क्या होने लगा है कंप्यूटराइज होने लगा है जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे पंचायत ऑफिस में रखे जाते हैं और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं नाउ अ न्यू हिंदू लो दैट इज हिंदू सेक्शन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड फाइव ये हम एक नए एक्ट 2005 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं

जब हम फार्मर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ मैन फार्मर आते हैं लेकिन विमेन को हम सोचते हैं कि सिर्फ काम करने के लिए है शी इज नॉट द ओनर ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड बट आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द सन्स ऑफ द फैमिली एंड द डोटर्स वर कैप्ट आउट ऑफ दिस डिवीज़न और अगर फादर की डेथ हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी है वो बेटों में इक्वली बांट दी जाती है और बेटी का कोई शेयर नहीं रखा जाता On 9th September 2005, a new section law came into force. 9 सितंबर 2005 में एक नया लॉ आया इन द न्यू लॉ सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड इस लॉ में क्या आया है कि सन डॉटर और वाइफ ओके एंड देयर मदर ओके मान लो किसी के कि अगर डेथ uh, हो जाती है फैमिली में उसके बाद उसकी वाइफ और उसके बच्चे चाहे वो लड़का है या लड़की है जो उसकी लैंड है वो इक्वली पार्ट में डिवाइड होगी फाइन नाउ दिस इज़ अ ग्रेट रिलीफ टू द वीमेन एट समाइम सन्स डू नॉट लुक आफ्टर देअर मदर और अनमेरिड सिस्टर आफ्टर गेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द फादर ये बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया गया है क्योंकि कुछ लड़के क्या करते थे जब उनको प्रॉपर्टी मिल जाती थी तो अपने फादर के बाद ना ही वो अपनी मदर को देखते थे ना ही अपनी अनमेरिड सिस्टर की तरफ वो ध्यान देते थे So, this law applies to Hindu in all states and union territories of the country. law state may India apply Union territory apply This law benefits a large number of women of the country. For example, Kajal is the eldest daughter of an agriculture family. She is married in the neighboring village. After her father's death, Kajal often comes to help her mother with the farming work. अब यहाँ एक स्टोरी दी गई है कि कैसे ये लो हेल्पफुल रहा है काजल की एक स्टोरी है काजल जो है वो घर की बड़ी बेटी है एक फार्मिंग वाली फैमिली है उसकी बड़ी बेटी है उसके पास वाले गांव में शादी हो जाती है उसके फादर की डेथ के बाद वो कई बार अपनी माँ की हेल्प करने अपने घर पर आ जाती थी हर हर मदर फील्स वेरी रिलीव्ड विथ दिस हेल्प फ्रॉम काजल और उसकी मदर को बहुत ज्यादा आराम मिलता था काजल की हेल्प से काजल्स मदर वॉन्ट्स टू हेल्प हर डोटर एंड शी वॉज नॉट वेरी रिच काजल की जो मदर है वो काजल की हेल्प करना चाहती थी क्योंकि काजल की जो फैमिली है यानी लोस की फैमिली जो है वो ज़्यादा रिच नहीं थे वन डे शी गोज़ टू विलेज पटवारी एंड आस्ट हिम टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर्स हर डोटर्स नेम अलोंग विद द नेम्स ऑफ ओल सन तो क्या करती है एक दिन उसके दिमाग में आता है वो पटवारी के पास जाती है और उसको कहती है कि उसकी जितनी भी लैंड है जितनी उसके बेटों को मिली है उसकी बेटी को भी कुछ हिस्सा दिया जाए सो so, काजल गेट्स शेयर इन हर पेरेंटल प्रॉपर्टी इस तरीके से काजल को अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से एक लैंड का शेयर मिल जाता है काजल्स मदर स्टार्ट द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ हर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर उसके बाद काजल की मदर फार्मिंग शुरू करती है हर मदर इंस्पायफ़ बींगल ऑल्सो डेवलप कॉन्फिडेंस टू सी हर मदर शी ऑल्सो लिवस विद्योरेंस दैट इफ शी एवर हैज प्रॉब्लम शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड एट हर मदर्स प्लेस और काजल की जो मदर है वो खेती करना शुरू करती है काजल भी बहुत खुश होती है और उसे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है और इस तरीके से जो है लैंड का शेयर काम आता है कि काजल उसको एश्योरेंस दिखाती है कि अगर कभी भी वो प्रॉब्लम में होगी तो मदर शेयर को वो यूज़ कर लेगी ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अदर पब्लिक सर्विसेज अ सर्वे एक सर्वे के बारे में यहाँ बताया गया है डू यू नो हाउ डो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शंस एस्पेली फॉर रूरल एरियाज वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट टू एग्जाम्पल्स फर्स्ट इज मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर रिलेटिंग टू द पुलिस क्या काम होता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का पहला काम क्या होता है कि पुलिस की तरह मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर रिलेटिंग टू द पुलिस कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना गाँव में सेकेंड मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द पटवारी और दूसरा जो पटवारी का काम है कि लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना वी ऑल्सो नो दिस वर्क इज़ सुपरवाइज बाई ऑफिसर्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट लाइक तहसीलदार और द सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस रिस्पेक्टिवली वी हैव ऑल्सो नो दैट हाउ पीपल कैन यूज़ दि सर्विसेज एंड हाउ दे फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लो दे आर मैनी पब्लिक सर्विसेज दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट इस तरीके से और भी पब्लिक सर्विसेज हैं गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड की हैं लोगों के लिए लोगों की वेलफेयर के लिए नाउर इंपोर्टेंट पॉइंटर पटवारी अ गवेंट एम्प्लॉय तहसीलदार आ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर सुपरवाइज दर्क ऑफ पटवारीप्टेम्बर टू थाउजेंड फाइव And according to the law, surviving son or daughter shall be entitled to equal treatment. The superintendent of police controls the police force in the district. Land revenue has always been an important source of income of the state. A station house officer is in charge of a police station. The patwari usually measures agriculture filled by a long chain. The tehsildar's office is where land disputes are also heard. Until recently, in some states, Hindu women did not get a share in the family's agricultural land. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे